So guys, today we are starting with layer 2 security. Fine. Now first of all, what is layer 2 security? So let me tell you how people start with this topic. They used to write port security on the board, they will draw a switch, they will draw a user, and they will start shitting things out. Fine. But first of all, you should be clear with the meaning of layer 2 security. Yes. Switches make forwarding on the basis of layer 2 addresses. Which devices? Switches make forwarding on the basis of layer 2 devices. Sorry, layer 2 addresses. But what do you mean by layer 2 security? Try to understand. Till now we were discussing about ZBF. ZBF stands for what kind of security zone-based firewall was providing me? Which type of security? Data plane security. What kind of security? ZBF mujhe kya provide kar raha tha? Data plane security in what sense? That who can access which server? Who can access what kind of resources? What we were doing? We were implementing ZBF at the edge and we were limiting users from outside network to access by servers which are existing on the inside, or we were limiting users who are sitting on inside to access the servers which are present on outside. Fine. Now, what do you mean by layer 2 security? Yes. Layer 2 security means to whom, to which user I want to provide network access. I will decide that thing on the basis of MAC address. डेटा प्लेन सिक्योरिटी क्या थी? कौन सा यूजर किस सर्वर को एक्सेस कर सकता है? नाउ आई एम सेइंग टू विच यूजर यू वांट टू प्रोवाइड एक्सेस टू द टू विच यूजर यू वांट टू प्रोवाइड एक्सेस टू द This thing is clear. ये समझ में आया? Data plane security कहती है ये user इस server से बात कर सकता है. यही तो कहती है. हम inspect कराते हैं traffic को, protocol को, on the basis of traffic type. What do you mean by layer 2 security? Deciding कौन सा यूजर मेरे नेटवर्क को एक्सेस कर पाएगा ऑन द बेसिस ऑफ विच एड्रेसेस? मैक एड्रेसेस. दिस थिंग इज क्लियर. नाउ ऑल ऑफ यू नो एट एक्सेस लेयर व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस वी विल ऐड. Users, let's say these are three users. So all of you know this thing. जब भी ये user traffic forward करेगा, traffic in switch port पे receive होगा. Switch port पे receive होते ही सबसे पहले switch क्या check करता है?
क्या चेक करता है? ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग, ऑल ऑफ यू, व्हेनेवर स्विच विल रिसीव ट्रैफिक ऑन द इंटरफेस, व्हाट थिंग इट विल चेक फॉर द फर्स्ट टाइम? सोर्स पैक. व्हाट थिंग इट विल चेक? सोर्स पैक. और फॉरवर्डिंग करने के लिए कौन सा मैक एड्रेस देखता है? डेस्टिनेशन मैक. कौन सा मैक? यस. और फॉरवर्डिंग करने के लिए कौन सा मैक देखता है? डेस्टिनेशन मैक. कस्तोला हुनुनसा. You remember? अब मैं जो आपको पर्सपेक्टिव समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना उसे. तो सबसे पहले इस नेटवर्क एक्सेस को जो मैं यूजर को देना चाहता हूं कि कौन सा यूजर मेरे नेटवर्क को एक्सेस कर पाए, सबसे पहले बात शुरू होती है. सबसे पहला फीचर जो मेरे पास है यूजर को नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड पोर्ट सिक्योरिटी. दैट इज कॉल्ड पोर्ट सिक्योरिटी. कर क्या रही है, समझ में आया? डिसाइड कर रही है कौन सा यूजर नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस, ऑन द बेसिस ऑफ. डेफिनेशन पढ़िए. विच यूजर, मैक एड्रेस यूजर का होता है? नहीं, किसका होता है? मशीन का. सो विच मशीन कैन द नेटवर्क द बेसिस ऑफ. अब पोर्ट सिक्योरिटी, एक पहली बात, एक जो सोल्यूशन है वो एक स्मॉल नेटवर्क के लिए. किसके लिए है? स्मॉल नेटवर्क के लिए. अब आपको क्यों, अब आपको मैं समझाता हूं पोर्ट सिक्योरिटी क्या है. तीन बातें हैं और पोर्ट सिक्योरिटी खत्म है, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेटर जाता है कि नेटवर्क में जो यूजर को मशीन कंपनी ने प्रोवाइड की हुई है उसी मशीन के थ्रू यूजर क्या करे, नेटवर्क को क्या करे, यूजर अपना लैपटॉप नेटवर्क एक्सेस के लिए यूज ना करे. क्लियर? तो यूजर क्या करते हैं बताएं आपको, एक केबल आ रही होती है, उन तक अपने घर से हम खरीद के ले जाते हैं. जाके एक तो लगा दिया किसमें, कंपनी के सिस्टम में, एक लगा दिया किसमें, अपने लैपटॉप में. अब इतना हमें से कहानी नहीं बनाई जाती, ठीक है जी. एक कहीं और लगा दिया, खुद में लगा लिया अपडेट होने के लिए, ठीक है भाई. तो कंपनी ने तो कितने यूजर को सर्विस दी हुई थी, एक. ये कौन है? अब प्रॉब्लम क्या आती है, नाम क्या आपका? अक्षय के पापा ने अक्षय की शादी करी, 200 लोगों को बुलाया शादी में खाने के लिए, 500 लोग आ गए. अब प्रॉब्लम क्या आई, जिनको खाना खाना चाहिए था वो भूखे रह गए. सेम प्रॉब्लम कंपनी में आती है, यूजर आया, यूजर ने अपना लैपटॉप लगाया, कनेक्ट किया नेटवर्क में और टॉरेंट चला दिया, और लगा लो ऐसे सब यूजर कर रहे हैं. तो जिन यूजर्स को स्पीड चाहिए वो क्या करेंगे, सफर होंगे. बैंडविड्थ तो लिमिटेड है, खाना तो लिमिटेड था, कितने लोगों का, 200 लोगों का, और आ कितने लोग गए, 500. अब आखिरी में दूल्हा दुल्हन नहीं भूखे बैठे हुए, पता चल रहा है हमारे पास ही खाना नहीं है खाने को. फाइन. सो गाइस, सेम कंसर्न आता है कंपनी में,
कि मैं यूजर को नेटवर्क का एक्सेस तभी दूंगा, मशीन को नेटवर्क का एक्सेस तभी दूंगा जब उसका मैक एड्रेस क्या होगा, क्या होगा बोलिए, अलाउड। तो एडमिनिस्ट्रेटर को ना अपने नेटवर्क में सारी मशीन्स का मैक एड्रेस पहले से ही पता होता है। किसका मैक एड्रेस पहले से ही पता होता है? सारी मशीन्स क्या होते हैं? प्रिंटर्स, सर्वर्स और यूजर्स। प्रिंटर्स, सर्वर्स एंड यूजर्स। नाउ व्हाट वी विल डू इन पोर्ट सिक्योरिटी? सबसे पहला क्या लिखा? सेकंड सेकंड थर्ड इफ एनी तो सबसे पहली बात जो समझ में आई ना हमें वो क्या है? पोर्ट सिक्योरिटी क्या है? तभी मैं कह रहा था इसको हम छोटे नेटवर्क में डिप्लॉय कर सकते हैं। एक नेटवर्क में जहां 20,000 यूजर है, कहां 20,000 पोर्ट्स पे जाके पोर्ट सिक्योरिटी लगाओगे? पॉसिबल? दूसरी बात, पोर्ट सिक्योरिटी इज ओनली सक्सेसफुल इन दोज एनवायरमेंट्स वेयर यू हैव अ फिक्स्ड नेटवर्क, वेयर यू हैव अ। देखो अब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनता। पता नहीं आपको इन चीजों के बारे में पता है या नहीं पता, आई डोंट नो। अगर आपने कभी कंपनी में काम किया ना तो कंपनी में जरूरी नहीं आपकी सीट फिक्स्ड हो। जब आपको जगह खाली मिलेगी जिस डेस्कटॉप पे वहां बैठ सकते हो, आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होगा, आप उस यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे दे वांट टू प्रोवाइड यू अ सिस्टम, उन्हें आपको क्या प्रोवाइड करना है? सिस्टम। तो जरूरी नहीं है कि आपकी सीट फिक्स होगी, जैसे हम टीवी में देखते हैं ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, तो हमारी सीट फिक्स तो होती नहीं है। तो आज मैं यहां बैठा हूं, कल मैं कहीं और बैठूंगा, लेकिन मेरी मशीन तो क्या है? फिक्स्ड है। मेरी मशीन तो क्या है? जो मेरे को कंपनी ने सिस्टम दिया हुआ वो तो फिक्स्ड है। सो दीस टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर कॉल्ड फिक्स्ड नेटवर्क। दूसरी तरह की डिप्लॉयमेंट आती है, कंपनी यूजर को कंप्यूटर ना देके क्या देती है? लैपटॉप्स। एग्री? और हर सीट पर लैन केबल आ रही होती है। क्या आ रही होती है? अब मैं किसी भी सीट पे जाके अगर बैठ जाऊंगा, इसका मतलब मैं हर रोज एक डिफरेंट पोर्ट से कनेक्ट हो रहा हूं, तो मैं उस केस में पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? लेट से आज मैंने बोला स्विच को कि भाई कितने स्टेप है पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फिगर करने के पढ़ना। पहला क्या? मैंने स्विच को बोला भाई इस पोर्ट में ना एक ही मैक एड्रेस लैंड होना चाहिए। दूसरा, मैंने स्ट्रेटेजिकली डिफाइन कर दिया वो मैक एड्रेस ए है। हाउ का मतलब तरीका ही हुआ ना, हाउ। मैंने कैसे डिफाइन कर दिया? स्ट्रेटेजिकली कौन सा मैक एड्रेस है? ए। और मैंने बोला अगर कभी कोई और मैक एड्रेस आए स्पोर्ट में, स्पोर्ट को शट कर दियो।
क्या कर दियो शट, क्या कर दियो, ठीक है। आज यूजर अपना लैपटॉप यहां लगा के बैठा था तो बात बन गई, कल यूजर अपना लैपटॉप इस पोर्ट में लगा लेगा, अब कर लो क्या करोगे। यार मैंने पहला स्टेप क्या लिखा है, सारे में क्या कर देंगे, थोड़ा पेचीदा नहीं हो जाएगा। और मैं तो मना ही कर रहा हूं, वाला सोच रहा, सोच रहे थे, किसी की सोच पे थोड़ा रोक लगा सकते हो आप, सोच तो आती है यार, यू नो, होता नहीं है वैसे ऐसा जो आप बोल रहे हो, बट फिर भी मैं तो यार कुछ मना नहीं करता करने से, आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब ना सुन, अरे कान पे इतना तेज मारूंगा, एक तो तुम ना अपनी बात बताते हो अपना बेस भूल जाते हो, एक पोर्ट पे सेम मैगनेटर्स लान हो सकते हैं, सेम स्विच के मल्टीपल पोर्ट्स पे सेम मैग लान हो सकता है पॉसिबल, रेंज लगा के कर देंगे, ऐसे ही बोला ना इसने, तो आपने जो बोला फिजिबल ही नहीं है, फाइन, ऐसे में बताता ना आपको, ये आपको लगता आप कर सकते हो, फाइन, मैं छोड़ यार बता देता हूं, आगे चलते हैं। पहला स्टेप था कितने मैगनेटर्स लर्न होंगे पोर्ट पे, पहला स्टेप क्या था, दूसरा था कैसे लर्न होंगे स्टैटिकली या डायनेमिकली देखेंगे अभी, तीसरा एक्शन क्या लेना है अगर कोई और मैगनेटर्स आता है तो। ये जो पोर्ट सिक्योरिटी फीचर है, सबसे पहली बात है स्विच पोर्ट बेस्ड फीचर है, आपकी जो मशीन है वो सेम पोर्ट से कनेक्ट होनी चाहिए रोज, अगर डिफरेंट पोर्ट से कनेक्ट हो रही है वहां पे आप पोर्ट सिक्योरिटी डिप्लॉय नहीं कर सकते। अगर आपको पता है आपके यूजर की मशीन का पोर्ट क्या है, फिक्स्ड है, तभी आप क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो, वरना आप पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इतना समझ में आया आपको। और दूसरी बात जो मैंने बताई कि पोर्ट सिक्योरिटी इज अ फीचर विच इज फॉर It is for all networks. You want me to repeat this thing? चले आगे. Next. So let's say switch का पोर्ट है कौन सा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्या लिखा, there is a condition, पोर्ट शुड बी, पोर्ट क्या होना चाहिए, अगर पोर्ट एक्सेस नहीं है ना तो किसी के पिताजी भी पोर्ट पे क्या एनेबल नहीं कर सकते। चलो इसमें भी एक फ्लो है बताऊं, मैं तुम्हें ट्रंक पोर्ट पे भी पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल करके दिखा दूंगा, कौन से पोर्ट पे एक्चुअली सिस्को क्या कहता है, सिस्को का जो फीचर है पोर्ट सिक्योरिटी, सिस्को क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी पोर्ट पे पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल्ड करनी है, स्विच पे ही करोगे बट ऑब्वियस सी बात है, कह रहे उस पोर्ट पे डीटीपी चलता हुआ नहीं होना चाहिए, बट शुड नॉट बी रनिंग। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं,
आपसे, अगर मैं पोर्ट को एक्सेस बनाता हूं क्या होता है? अरे होता क्या घसड़ू, बताइए आप क्या होता है? हाँ जी विपिन, यार क्या बात करे लॉन्डन है, वाह बिल्कुल सही बताया इन्होंने। जैसे ही हम पोर्ट को एक्सेस बनाएंगे उसमें डीटीपी क्या हो जाता है? डिसेबल। क्या हो जाता है? डिसेबल। दिस थिंग इज क्लियर? तो रिक्वायरमेंट क्या है? DTP should be disabled. इस पोर्ट पे DTP क्या होना चाहिए? डिसेबल। अब दूसरा काम क्या रहेगा? हम कमांड चलाएंगे तो एनेबल करने के लिए कमांड भी बता दूं साथ साथ। सेकेंड स्टेप कमांड रहेगी क्या रहेगी? इस पोर्ट में कितने मैक्सिमम मैक एड्रेसेस अलाउड होंगे? क्या डिफाइन किया मैंने? इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखो, समझ में आ रही है ना कमांड? तीसरी कमांड अब यहां पे मैं तरीका डिफाइन कर रहा हूं। क्या डिफाइन कर रहा हूं? हाउ टू लर्न दोज मैक एड्रेसेस। हाउ टू? देखो पहला तरीका है कौन सा कीवर्ड? व्हाट डू यू मीन बाय स्टिकी? क्या लिखा? Yes, learn MAC address from Camden. ये कौन से कीवर्ड का मतलब है? स्टिकी। डन। कौन से कीवर्ड का मतलब है? स्टिकी। ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद इट? सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टिकी के बाद दूसरा तरीका क्या है? स्टैटिक। डिफाइन मैक एड्रेस। अरे तेरी माँ के हो रहा भाई।
हाँ जी, स्टैटिक का मतलब क्या है? डिफाइंड मैक एड्रेस. और स्टिकी का मतलब क्या था? ये जो मैक एड्रेस कैम टेबल में पड़ा है उसको बाइंड कर लो. उसको क्या कर लो? फोर्थ क्या लिखा वाले यहां? कोलेशंस क्या होती है? कोलेशन का मतलब होता है डिफाइनिंग व्हाट टू डू if some other MAC address is learned on the port. Defining what to do if some other MAC address is learned on the... So by default, jo violation hoti hai, wo hoti hai shutdown. Kya hoti hai? Do aur violations bhi hai. Ek ka naam hai. Ek ka naam hai. Practical ke time pe dikhaunga. Theek hai? To ye kuch port security ki kahani hai. पोर्ट सिक्योरिटी में हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं हम किस मशीन को अपने नेटवर्क का एक्सेस देना चाहते हैं. किस मशीन को? पोर्ट सिक्योरिटी हम पर पोर्ट बेसिस पे कॉन्फ़िगर करते हैं. हम पोर्ट पे जाते हैं और बता देते हैं अगर ये मैक एड्रेस आए तो ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर दियो, वरना आप पोर्ट को ही क्या कर दियो, शट. क्लियर? आईपी है शो व्हील एंड ब्रीफ. या नहीं है 23 24? क्या चल रहा है 23 24 पे? प्राइवेट व्हील एंड किया था कल घर जाकर प्रैक्टिकल प्राइवेट व्हील एंड का. बहुत बढ़िया. Done. No problem. Show wheel and brief. आगे 23 24 वापस किस wheel and के member है? One. Clear? चले आगे. ट्वेंटी थ्री नंबर पोर्ट से R1 कनेक्टेड है तो मेरी टोपोलॉजी ये रहेगी. रिपोर्ट क्या है? ये क्या है? अब मैं जाता हूं इस पर्टिकुलर पोर्ट में सिर्फ R1 ही ट्रैफिक भेज पाए. कौन ट्रैफिक भेज पाए? R1 के मैक एड्रेस को इस पोर्ट के साथ क्या कर दूंगा? बाइंड. क्या कर दूंगा? बाइंड. अब कुछ लोगों के दिमाग में क्या वहम होते हैं वो दिखाता हूं. पहले इस कमांड पे भी आते हैं थोड़ी देर में. पहले R1 से पिंग करिए. शर्म नहीं आती इसको भी. डन.
देखिए हो रहा है ट्रैफिक एक्सचेंज R1 to R2, स्विच पे आ जाइए। ये मैक एड्रेस है R1 का, डन। अब मैं जाता हूं इस पोर्ट पे, R1 ही ट्रैफिक भेज पाए, सिर्फ कौन ट्रैफिक भेज पाए R1। तो लोग क्या करते हैं, बैक एड्रेस टेबल, बैक एड्रेस VLAN ये सिर्फ आपने पता क्या किया, व्हाट यू हैव डन, एंट्री पहले कैसे बनी हुई थी, आपने सिर्फ उस एंट्री को क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, अरिशार। दूसरी बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्या फर्क है स्टैटिक और डायनेमिक में, साले तो स्टैटिक और डायनेमिक कीवर्ड का मतलब नहीं हो गया, करे स्टैटिक में मैनुअली एंट्री बना रहे हैं, डायनेमिक में अपने आप बन रही है गफड़ू। हाँ जी बताइए क्या फर्क होगा स्टैटिक और डायनेमिक में। हाँ विपिन तू ही बता सकता है, बता दे। स्टैटिक एंट्री का भी एज आउट नहीं होती, डायनेमिक एंट्री क्या हो जाती है, एज आउट। क्लियर, आगे चलो। अब इस स्टैटिक एंट्री का मतलब क्या है, इस पोर्ट पे आपने इस मैक एड्रेस को स्टैटिकली डिफाइन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है, इट डजंट मीन दिस थिंग दैट दिस पर्टिकुलर मैक एड्रेस इज ओनली अलाउड ऑन द पोर्ट। ये मैक एड्रेस अलाउड है पोर्ट पे, मैं R1 पे आया, मैं मैक एड्रेस को चेंज कर रहा हूं R1 पे, चेंज कर दिया। हो रहा कम्युनिकेशन, हो रहा कम्युनिकेशन। अब पोर्ट में कितने मैक एड्रेस लर्न होंगे, देखिए स्टैटिक भी आ रहा है, तो स्टैटिक बाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि यार पोर्ट पे यही मैक एड्रेस अलाउड होगा, नहीं, आप सिर्फ तरीका बता रहे हो कि इस पोर्ट को डायनेमिकली ना लर्न करके कैसे लर्न कर लो, और स्टैटिकली लर्न करवाने का फायदा क्या है, ये एंट्री का भी क्या नहीं होगी, एज आउट क्या नहीं होगी। क्लियर, सो दिस शिट हैज नथिंग टू डू विद पोर्ट सिक्योरिटी, लोग दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं। Fucked up, man. Done. Remove कर दिया मैंने वो स्टार्टिंग मैक एड्रेस, क्या रिमूव कर दिया, R1 पे आके मैक एड्रेस चेंज किया, उसको भी क्या कर दिया, डन, लेट मी पिंग अगेन। फिर वही पुराना मैक एड्रेस लर्न हो रहा है, एंड द वे इज डन। तो स्टैटिक बाइंडिंग को पोर्ट सिक्योरिटी से कंफ्यूज मत करना, स्टैटिक बाइंडिंग का मतलब है सिर्फ आप बता रहे हो कि पोर्ट पर मैक एड्रेस कैसे लर्न होगा, स्टैटिकली कैसे लर्न होगा, नथिंग एल्स, डन। चले आगे,
Now, let me move to which port? Port 23, but before that, let me show you something. Show port security interface. इस इंटरफेस में पोर्ट सिक्योरिटी क्या है, पोर्ट का स्टेटस क्या है, सिक्योरली डाउन है पोर्ट, कोलिशन मोड क्या है बाय डिफॉल्ट, कितने मैक्सिमम मैगेटर्स बाय डिफॉल्ट अलाउड होते हैं, एक। अगर मैं मैक्सिमम मैगेटर्स डिफाइन नहीं करूंगा तो पोर्ट पे कितने मैगेटर्स डिफाइन होंगे, एक। कितने अलाउड होंगे? अब पता है लोग इसको कहां कंफ्यूज कर लेते हैं, मैंने बोला अगर पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करते हुए मैं पोर्ट पे मैक्सिमम मैगेटर्स डिफाइन नहीं करूंगा तो कितने मैगेटर्स अलाउड होंगे, एक। सारे लोग इसको कंफ्यूज कर लेंगे, मैंने बताया था पोर्ट पे कितने मैगेटर्स अलाउड होते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं बोल रहा हूँ पोर्ट पे क्या कॉन्फ़िगर करते हुए पोर्ट सिक्योरिटी हाउ मेनी मैगेटर्स विल बी अलाउड इफ आई विल नॉट डिफाइन मैक्सिमम कीवर्ड, डन। चले आगे, देखिए आगे पोर्ट पे सबसे पहला काम क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू, भाई बताइए, अभी लिखवाया था एनेबल विद हेल्प ऑफ विच कमांड, अरे पढ़िए क्या लिखा है, नहीं लिखा, हाँ जी कौन सा पोर्ट है ये, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ठीक है जी, अब क्या एनेबल करूंगा, डन। नेक्स्ट हाँ जी बताइए, कैसे डिफाइन करेंगे, कितने मैक्सिमम मैगेटर्स अलाउड हो सकते हैं बोर्ड पे, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, देखो मैंने पहले वो कमांड इसलिए बताई थी कि आप चेक कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं, दो, पहला क्या है दूसरा क्या है, स्टिकी का मतलब क्या था, कहां से उठा लिया ना मैक एड्रेस, कैम टेबल में लर्न था मैक, उठा लिया होगा उसने, लास्ट वायलेशन बाय डिफॉल्ट क्या बताई मैंने आपको, क्या बताई, दिस थिंग इज क्लियर। अब देखिए शो पोर्ट सिक्योरिटी, पोर्ट सिक्योरिटी क्या पढ़िए सब लोग, पोर्ट स्टेटस, वायलेशन मोड, इनको छोड़ दो, मैक्सिमम मैगेटर्स अलाउड कितने हैं, टोटल मैगेटर्स लर्न कितने हैं, स्टिकी ये मेरा वो मैगेटर्स है, ये मेरी वीलैन है, और ये क्या है, और अब तक एक भी बार वायलेशन हुई है, अब तक एक भी बार वायलेशन है, दिस थिंग इज क्लियर। देखिए ये पर्टिकुलर मैक एड्रेस है, कैसे लर्न है, किस वे से, स्टिकी, इस पोर्ट पे दिख रहा है,
अब देखिए, जा रहा है ट्रैफिक बिकॉज R1 का मैक एड्रेस क्या है? यही मैक है, फाइन, एंड द सेम मैक इज बाइंडेड ऑन द पोर्ट, दैट्स व्हाई ट्रैफिक इज, दैट्स व्हाई ट्रैफिक इज अलाउ, डन। अब ध्यान से देखना एक चीज, ध्यान से मतलब ध्यान से, मैं स्विच पे आता हूं, इस पोर्ट को शट मार देता हूं। हमने क्या पढ़ा था, जब भी हम पोर्ट को शट कर देते हैं मैक एड्रेस रिमूव हो जाता है, कौन मेरा मेरा क्या तू लागे, तो इसने साले ने जो मैक एड्रेस पहली बार लर्न कर लिया ना, उसी को बाइंड करके रख लेगा अपने पास। पहली बार क्या कर लिया, जो इसको पहली बार मैक एड्रेस टेबल में मैक एड्रेस मिला ना, उसी को क्या कर लेगा अपने पास, पोर्ट तो शट है। क्या 23, सब लोग देखिए क्या आया है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन शटडाउन किया हुआ मैंने, अब होना तो क्या चाहिए था कि लेट से मैंने अपने लैपटॉप में केबल लगाई, ठीक है जी, मेरा मैक एड्रेस लर्न हो गया स्विच पोर्ट पे, वही मैक एड्रेस उसने बाइंड कर लिया, एग्री। अब लेट से अगर मैंने केबल लगाई अपने होम लैपटॉप में पहली बार, किस पे लगाई अपने, तो कौन सा मैक एड्रेस बाइंड हो जाएगा, होम लैपटॉप वाला, उसको तो एक्सेस देना चाहता ही नहीं हूं, उसको तो एक्सेस देना मैं चाहता ही नहीं हूं। दिस थिंग इज क्लियर, समझ में आई इतनी बात आपको? तो गाइस देखिए, अब मैं पोर्ट को नोशट कर देता हूं, देखिए यहां सेम मैक एड्रेस लैंड है, डन। अब मैं R1 पे आगे वॉयलेशन करके दिखाता हूं आपको, हमने R1 पे मैक चेंज कर दिया, 8 की जगह लास्ट में 9 कर दिया, कुछ मैसेज आया मेरे पास, पढ़िए सब लोग क्या लिखा हुआ है, यस, कह रहा पी सिक्योर वायलेशन एरर डिटेक्टेड ऑन दिस पोर्ट पुटिंग दिस पोर्ट इन मिस्टेट, और दूसरा लॉग क्या बता रहा है, किस मैक एड्रेस ने वो एरर कॉज करवाया, देखा आपने, अभी घसड़ू आदमी कहा मैक एड्रेस, भाई इंग्लिश तो आती है सबको पढ़नी, ये वो मैक एड्रेस है, कौन से पोर्ट पे, डन, एनी प्रॉब्लम,
सो गाइस, अब जो मेरे को चीजें याद रखनी है वो तो ये है, ये पहली बात, फर्स्ट थिंग, आई विल नॉट यूज वॉयलेशन मोड शट डाउन इन रियल टाइम सिनेरियोस। क्यों यूज नहीं कर सकता? ये तो एक तरह का अटैक हो गया। क्या हो गया? एक तरह का अटैक। कैसे? अटैकर को पता सिर्फ क्या करना है, सुबह जाना है कंपनी में, केबल लगाई अपने लैपटॉप पे बाहर, लगाई बाहर, पोर्ट शट डाउन होते जाएंगे सारे, क्योंकि उसका पर्टिकुलर मैक एड्रेस तो किसी पोर्ट पे अलाउड होगा ही नहीं। अटैकर्स मैक एड्रेस विल नॉट बी प्रेजेंट और बाइंडेड ऑन एनी ऑफ द पोर्ट, सो ऑल द पोर्ट्स विल बी शट डाउन वन बाय वन। फाइन, सो देयर आर टू मोर वायलेशन मोड्स प्रेजेंट। कभी भी कोई पोर्ट एरर डिसेबल से अपने आप नहीं आता अप टू द टाइम आपने एरर डिसेबल रिकवरी कॉन्फ़िगर ना कियो। क्या ना कॉन्फ़िगर कियो? एरर डिसेबल रिकवरी का मतलब होता है पोर्ट कुछ टाइम के बाद अपने आप आएगा, लेकिन अगर सेम कंडीशन एग्जिस्ट चलेगी करेगी तो फिर किस पोर्ट में चला जाएगा? एरर डिसेबल। क्लियर? सो देयर आर टू मोड वायलेशन मोड्स प्रेजेंट। फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज, पहली क्या है, दूसरी क्या है? क्या लिखा? जनरेटर, ये डिफरेंस है किसमें 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 किसमें? तो उनमें पोर्ट शट डाउन नहीं होगा। अगर कोई और मैक एड्रेस जो पोर्ट पे अलाउड नहीं है या लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, उसका ट्रैफिक पास नहीं होगा। रिस्ट्रिक्ट के केस में लॉक जनरेट हो जाएगा, लेकिन प्रोटेक्ट के केस में क्या नहीं जनरेट होगा कोई लॉक। लेट्स सी इट। अब देखिए इधर सब लोग, शो इंटरफेस स्टेटस। हाँ जी, देखिए पोर्ट किस स्टेट में पड़ा हुआ है? किस स्टेट में है? एरर डिसेबल। तो आपको पता है ना एरर डिसेबल पोर्ट को रिकवर कैसे करते हैं? शट एंड देन तो शट। तो पहले तो आर वन पे आइए, मैक एड्रेस हटाइए, वरना दोबारा किस स्टेट में चला जाएगा? डन। शट और डन। शो पोर्ट सिक्योरिटी।
दिख रही है सबको? शो पोर्ट सिक्योरिटी, अभी भी सेम मैकलर्ड है। डन फ्रॉम आनवर आर वन फॉरवर्ड द ट्रैफिक। इट्स गोइंग नेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट वायलेशन क्या थी? लेट मी चेंज इट टू, इसमें चेंज कर दी मैंने। डन, व्हाट विल हैपन नाउ? लेट से मैं आर वन पे आके मैग्नेट एड्रेस चेंज कर दूं। चेंज कर दिया। क्या कह रहा है? सिक्योरिटी वायलेशन हो रही है। और ये देखिए कितनी बार हो चुका है वायलेशन, कितनी बार हिट कर चुका है वो। अब डन, डन। वायलेशन काउंट इंक्रीज हो रहा है और लॉक्स आ रहे हैं। क्या इंक्रीज हो रहा है और क्या आ रहे हैं हमारे पास? क्लियर। तो एडमिनिस्ट्रेटर अगर स्विस लॉक सर्वर के सामने बैठा होगा तो उसे पता चल जाएगा कि भाई क्या आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। This thing is clear. पोर्ट अभी भी क्या है जबकि पोर्ट पे क्या हो रही है? वायलेशन। क्लियर। कोई ट्रैफिक जाएगा? मैंने स्टार्ट गलत कर दिया। डन। कितना समझ में आपको? आगे देखिए वॉयलेशन बार बार क्यों हो रही है? क्योंकि यहां से मैंने ट्रैफिक फॉरवर्ड किया हुआ। क्लियर। वॉयलेशन चेंज कर दूं? क्या कर दी? एवोल्यूशन कर दी। क्या एवोल्यूशन है? कोई लॉग आ रहा है? क्या एवोल्यूशन काउंट इंक्रीज हो रहा है? डन। तो रियल टाइम में आप रिस्ट्रिक्ट भी यूज कर सकते हैं और क्लियर। दिस थिंग इज क्लियर। नाउ लेट मी डू वन थिंग। स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम कितने कर दिया मैक्सिमम? आप पहले कितने थे? वन। और मैं दूसरा मैक एड्रेस कैसे बाइंड कर दूंगा? स्टैटिकली। क्या है वो मैक एड्रेस? यही तो है। क्लियर। मैं तुम्हें दिखाता हूं यार एक बार। ये देखो जब जैसे मैंने दो किया ना यहां पे, मैंने वे क्या डिफाइन किया हुआ था पहले स्टिकी, तो उसने साले ने दोनों बाइंड कर लिए। क्लियर। तभी वो मेरे को सेम मैक एड्रेस को स्टैटिकली ऐड करने नहीं दे रहा।
कह रहा वो तो पहले ही मैंने क्या किया हुआ ऐड किया हुआ, दैट्स व्हाई इट वाज गिविंग मी द एरर, फाउंड डुप्लीकेट पैकेट्स। सबको ये दो कमांड समझ में आई है क्यों आई हुई है? जस्ट बिकॉज मैंने कौन सा कीवर्ड यूज किया हुआ है, ट्रैफिक जा रहा है, क्लियर। तो मैं चाहूं तो मैं एड्रेस को मैनुअली स्टैटिकली भी ऐड कर सकता हूं, सॉरी बाय डिफॉल्ट जो एजिंग आपकी होती है ना स्टैटिक एजिंग होती है, कौन सी एजिंग होती है आपको मैंने दिखाया था ना साला मैगेटर्स पहली बार जो लर्न कर लेता है वो तो पोर्ट डाउन हो जाए कुछ भी हो जाए रिमूव नहीं करता उसको, अभी दिखाया आपको। आप चाहो तो एजिंग टाइम भी कॉन्फिगर कर सकते हो, पहले एजिंग टाइप इन एक्टिविटी, मतलब अगर इतनी देर के लिए कोई एक्टिविटी ना हो तो उस मैगेटर्स को क्या कर देना, एज आउट, क्या कर देना, एज आउट। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नहीं करके देख रहे इसका, अगर आपको पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो। वैसे पोर्ट सिक्योरिटी रियल टाइम में कोई इंप्लीमेंट नहीं करता बिकॉज इट इज मेड फॉर स्मॉल नेटवर्क्स, फाइन। इतना समझ में आता है आपको? प्रॉब्लम्स विद, पहली प्रॉब्लम हाँ जी, पहली प्रॉब्लम इट इज यूज्ड फॉर सेकेंड, सेकेंड इट इज अ पोर्ट बेस्ड फीचर, आपको हर पोर्ट पर जाके मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है जी। और ये भी लिख सकते हो आप, इट इज नॉट मेड फॉर मोबाइल नेटवर्क्स, इट इज नॉट मेड फॉर मोबाइल का मतलब क्या होता है, मूविंग, मोबाइल का मतलब क्या होता है, मूविंग। तो जहां पे यूजर्स की सीट ऑन डेली बेसिस चेंज हो जाती है वहां पे आप ये सॉल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। दिस थिंग इज क्लियर, नेक्स्ट। सो व्हाट वी आर यूजिंग नाउडेज देन, तो आने वाले टाइम में पढ़ेंगे हम समथिंग लाइक देखिए अब पोर्ट सिक्योरिटी में प्रॉब्लम क्या है, मोबाइल नेटवर्क के लिए पॉसिबल नहीं है तो हम सॉल्यूशन लेके आते हैं। एक देखिए एक सॉल्यूशन है जिसको मैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैप। एसीएस याद है तो एसीएस, एसीएस से ही बात कर लेते हैं रिलेट करके। ये मेरा स्विच है, ये मेरा डिवाइस है,
जैसे ही आप इस डिवाइस पे केबल लगाओगे, ये डिवाइस किसी भी टाइप का ट्रैफिक भेजेगा स्विच के पास, भेजेगा ना। जैसे हम केबल कनेक्ट करेंगे तो डिवाइस ट्रैफिक भेजेगा किसके पास, स्विच के पास। स्विच क्या करेगा, उसमें से सोर्स मैक को कॉपी करेगा और उसको किसके पास भेजेगा, बता मुझे। इस डिवाइस को एक्सेस देना भी है यार। So, इसे बोलते हैं मैप। आने वाले टाइम में देखेंगे मैप कैसे काम करता है। सो वी विल कवर मैप विद आईस, नॉट विद एसीएस। इसके साथ कवर करेंगे आईस। कोई डाउट? सो गाइस, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू किस यूजर को किस मशीन को मेरे को नेटवर्क का एक्सेस देना है और किस यूजर और किस मशीन को मेरे को नेटवर्क का एक्सेस नहीं देना। चले आगे। देखिए, चले देखिए, अब आगे एक टॉपिक आता है ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पहले दो टाइप के अटैक डिस्कस करते हैं। पहले अटैक का नाम है कौन सा अटैक, क्या होता है डीएसपी स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, उम्मीद ही गलत थी। ये साइन स्टारविंग सुना है, सुना नहीं है वर्ड आपने। भूख किसकी है, झूठ मत बोलो। हाँ जी, स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी, ठीक है जी। तो डीएससीपी की अब वो होने वाली है भुखमरी, यू कैन से फाइन। सो डिस्कस करते हैं डीएससीपी स्टारवेशन का मतलब क्या। ओके, आप में से कितने लोग सीसीएनए में ये पढ़ के आए हैं कि एक मशीन का जो मैक एड्रेस होता है वो चेंज नहीं किया जा सकता। पढ़ा आपने कभी ये बात, किया जा सकता है चेंज कैसे, कहा जाके? मैंने राउटर के इंटरफेस का मैक एड्रेस किया है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एंड यूजर। हाँ जी, ओके, लेट अस डिस्कस इट लाइक दिस। ये टैग को आप नेटवर्क बुल्स में भी कर सकते हो, ट्राई करना कभी। ठीक है,
हाँ जी ये क्या है? डीएसईपी सर दिख रहे हैं आप सबको? हाँ अपना ध्यान दे मेरी बात सुनना बस, ये टक्कर क्या करेगा, अपनी मशीन पे एक सॉफ्टवेयर डालेगा, और उस सॉफ्टवेयर का काम क्या है, क्या प्रोड्यूस करना, मल्टीपल मैग्नेटर। अब आपको कहते सर मल्टीपल मैग्नेटर से क्या होगा, आपको पता है आपके डीएससीपी सर्वर के पास एक पूल होता है, तो पूल क्या हो सकता है, एग्जॉस्ट क्या हो सकता है, एग्जॉस्ट का मतलब होता है कंप्लीटली यूज्ड, कंप्लीटली यूज्ड। फाइन, अब ये यूजर क्या करेगा, ये अटैकर क्या करेगा, लेट से सर्वर के पास पूल है 254 आईपीस का, कितने आईपीस का फॉर एग्जांपल, क्या करेगा 300 मैक एड्रेस बनाएगा, कितने, सारे के सारे रिक्वेस्ट किसके पास भेज देगा, डीएसपी सर्वर के पास। डीएसपी सर्वर को तो क्या लगेगा, अलग अलग यूजर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और डीएसपी सर्वर सारे पूल की आईपीज अटैकर को दे देगा। आपको जब कोई नॉर्मल यूजर आएगा उसे आईपी मिल पाएगी नहीं, क्योंकि पूल तो क्या हो गया है, एग्जॉस्ट, माय पूल इज एग्जॉस्टिंग। सो दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड डीएसपी तो आप एनबी में भी कर सकते हो, नीचे वाईफाई से कनेक्ट होके बैठे हो, अटैक कर दिया, सारी आईपीज आपकी मशीन को मिल गई, जो भी नया यूजर आएगा क्या कनेक्ट होने के बाद उसे आईपी मिलेगी, उसे आईपी, उसे आईपी। चलिए अब एक और बात बताता हूं, स्टॉर्म कंट्रोल सुना है, स्टॉर्म कंट्रोल हम क्या कर सकते हैं, स्विच के एक पोर्ट पे, स्विच के एक बता सकते हैं कि आपको एक साथ एक सेकंड में कितने ब्रॉडकास्ट पैकेट प्रोसेस करने हैं, क्या बता सकते हैं, आपको एक सेकंड में कितने ब्रॉडकास्ट पैकेट प्रोसेस करने हैं, जिससे क्या होगा, अब एक अटैकर है, अगर वो डीएससीपी स्टारवेशन अटैक लॉन्च करता है, वो तो बहुत सारे ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजेगा, सबको पता है डीएससीपी डिस्कवर ब्रॉडकास्ट होता है, ऑल ऑफ यू नो डीएससीपी डिस्कवर इज ब्रॉडकास्ट, सो वो तो बहुत सारे पैकेट्स भेजेगा, ब्रॉडकास्ट किसके पास भेजेगा, सर्वर के पास। तो अगर मैं स्विच पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट पैकेट्स की रेट लिमिटिंग कर दूंगा, किसकी रेट लिमिटिंग कर दूंगा, तो ब्रॉडकास्ट पैकेट कभी भी फॉरवर्ड नहीं। तो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल भी एक तरीका होता है किस अटैक को रोकने का, डीएससीपी स्टारवेशन, कौन सा अटैक, डीएससीपी स्टारवेशन। उसके बाद एक और तरह का अटैक हमारे पास, उसको हम बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक।
डन। ठीक है ये क्या है? अब आप सबको प्रोसेस पता है, यूजर का बेस साइड डिस्कवर, डिस्कवर ब्रॉडकास्ट होता है सबके पास जाता है, डीएससीपी सर्वर के देता है ऑफर, ऑफर भी ब्रॉडकास्ट होता है सबके पास आता है, फिर ये यूजर का बेस साइड रिक्वेस्ट वो भी ब्रॉडकास्ट होती है सबके पास जाती है, फिर डीएससीपी सर्वर क्या देता है एक्नॉलेजमेंट वो भी सबके पास आती है। ऑल ऑफ यू नो दिस शिटी प्रोसेस। अब इस यूजर ने क्या किया, अपनी इस मशीन को, इस अटैकर ने क्या किया, अपनी इस मशीन को भी क्या बना लिया, डीएसपी सर्वर। अब मैं जो बात करने वाला हूं ना, जरूरी नहीं है वो सक्सेसफुल होगी, बट देर कैन बी अ चांस, देर कैन बी अ चांस। अब लेट्स से इस यूजर को आईपी चाहिए था, इसने डिस्कवर भेजा, ब्रॉडकास्ट हुआ किसके पास गया, एक्चुअल डीएसपी सर्वर के पास भी और बोगस डीएसपी सर्वर के पास भी। So there can be a chance, there can be a chance. ये यूजर ऑफर किसका एक्सेप्ट कर ले, अटैक कर ले, इसका ऑफर एक्सेप्ट कर ले और इस यूजर को आईपी किससे मिल जाए, अटैकर से। लेट से मैं अज्यूम करता हूं यूजर को आईपी मिल गई 10113 और गेटवे मिल गया 10112। अटैकर इसको अपनी आईपी क्या देगा, अपनी आईपी क्या देगा, होगा क्या। लेट्स से नाउ यूजर वांट टू रीच एनी नेटवर्क विच इज नॉट इन द कंपनी, नॉट इन द एंटरप्राइज, और यूजर वांट टू रीच अ सर्वर विच इज नॉट द पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क, यूजर किसके पास जाएगा, गेटवे के पास। तो यूजर का जो भी ट्रैफिक होगा वो ऐसे फ्लो करेगा, यूजर अपना ट्रैफिक किसको भेजेगा, अटैकर को, अटैकर भेजेगा किसको, जिसके पास भी जाना होगा। तो अटैकर यूजर के सारे ट्रैफिक को क्या कर सकता है, कैप्चर। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ ट्रैफिक इज कॉल्ड मैन इन द मिडल। तभी इस टाइप के ट्रैफिक को क्या, अटैक को क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारा अटैकर यहां पे क्या कर रहा है, यूजर के सारे ट्रैफिक को ट्रांजिट में क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। क्लियर। सो इन दोनों टाइप्स के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए जो फीचर आया उसका नाम था डीएससीपी स्नूपिंग। क्या नाम था, मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो घर जाना, प्रैक्टिकल कर लेना, मंडे को स्टार्ट करेंगे जिससे DSCP is complex. No